किसान आंदोलन की सफलता के बाद शिवपुरी शहर में निकाली गई ट्रैक्टर रैली, ऐतिहासिक जीत की खुशी में शहर में निकाली रैली। 2 सैकड़ा से अधिक ट्रैक्टर पर सवार होकर नगर पहुंचे किसान। कृषि कानून पर किसानों को मिली ऐतिहासिक जीत की खुशी में शिवपुरी शहर में एक रैली निकाली गई। आपको बता दें कि इस दौरान सुभाष चंद्र बोस की, आजाद हिंद फौज के वीर सेनानी कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन के पुत्र सर्वजीत ढिल्लन ने कहा कि किसान आंदोलन ने देश को एक नई दिशा दी है। किसानों की ये जीत ऐतिहासिक जीत है। पूरी दुनिया ने देखा और कि कैसे किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी हक की लड़ाई लड़ी और जीत भी हासिल की। इन आंदोलन ने ये साबित कर दिया कि यदि मन में जोर हो तो कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने सभी को एकजुट करके ये पूरा काम किया है जो लंबे समय तक याद रखा जाएगा। क्या नाम है आपका? जी मैं डॉक्टर चीमा हूँ और किसान यूनियन का जो छोटा सा पद है एक मेंबर हूँ और महामंत्री के रूप में इन्होंने मुझे चुना है किसानों ने। और मैं किसानों को, जितने भी यहाँ किसान आए हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ, किसानों का, मजदूरों का और प्रशासन का, जिन्होंने हमारा साथ दिया। आज आपने किसान रैली निकाली 200 प्रचार ट्रैक्टरों के साथ? मेरे ख्याल से 200-250 ट्रैक्टर के लगभग होंगे। और जो ये रैली है, विरोध भी बहुत हुए, हम उन विरोध के बावजूद ये रैली बड़ी हुई है। हमारा विरोध भी बहुत हुआ, अन्य और हमारे भी कुछ किसान थे जो ये कह रहे थे कि आज रैली नहीं निकालनी है, लेकिन किसानों का संगठन इतना मजबूत है कि आज जो रैली निकली है, प्रशासन भी देख रहा है, मीडिया भी देख रहा है कि ये ऐसी रैली आज तो ना तक आज तक निकली है और ना निकलेगी। और ये जो हमारी विजय जीत हुई, किसानों की जीत हुई है, ये उसी की खुशी में रैली निकाली गई है। ये जो 3 काले कानून और रद्द हुए हैं और जो MSP की गारंटी पक्की हुई है, ये उसी को समर्पित ये रैली निकाली गई है। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये हमारा साथ दिया और ये शांतिपूर्वक रैली निकली है। और यहाँ पे आए हैं उनका भी धन्यवाद करते हैं। और दूसरी बात, एक छोटी सी बात और है, आज जो किसान यूरिया और DAP से जूझ रहे हैं, मैं प्रशासन को दोबारा ये कहूँगा कि अगर ये समस्या हमारी हल नहीं हुई, इसी तरह से हम इस चीज़ का विरोध करेंगे प्रशासन का कि खाद और बीज, जब खाद का टाइम था, बीज बोने का टाइम था, तब तो किसानों को तब भी खाद नहीं मिली। आज जो किसानों ने पानी लगाना है, जो फर्स्ट पानी है, उसके लिए किसानों को यूरिया नहीं मिल रही और कालाबाजारी हो रही है, ब्लैक बेच रहे हैं और लाइट की बहुत परेशानी है, लाइट का बिल बढ़ा दिया। और लाइट की समस्या ये है कि रात के टाइम लाइट आती है। अब मैं इन प्रशासन वालों को ये बोलता हूँ कि अगर आप किसान होते और रात के टाइम इनको पानी भराना पड़ता तो क्या समस्या इनके ऊपर बीजती। हमारा ये निवेदन है, लाइट दिन के टाइम दी जाए, चाहे वो काट के दी जाए, बांट के दी जाए, बस यही हमारा निवेदन है।